सीएम शिवराज जन आशीर्वाद यात्रा पर जनता से आशीर्वाद मांग रहे हैं। योजनाओं के दम पर सिंहासन 2018 जीतने की रणनीति बना रहे हैं। जनता को मनाने निकले शिवराज की राह का रोड़ा, अब खुद उनके अधिकारी बन रहे हैं। आईएएस दीपाली रस्तोगी का आदेश सीएम शिवराज और अधिकारियों के लिए मुसीबत का सबब बन सकता है। क्या है यह आदेश और क्या इस आदेश के जरिए कहीं आईएएस दीपाली रस्तोगी शिवराज का की राह का रोड़ा तो नहीं बन गई है? देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में आईएएस दीपाली रस्तोगी एक बार फिर चर्चाओं में है। दीपाली रस्तोगी ने अधिकारियों को आदेश जारी किया है। सभी कलेक्टरों को आदेश जारी कर विकास यात्राओं और सम्मेलन के नाम पर विभागीय बजट से पैसा खर्च करने पर रोक लगा दी है, और अगर किसी ने भी पैसा खर्च किया तो ऐसा करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की हिदायत भी दे दी है। दीपाली रस्तोगी ने आदेश में यह भी साफ कर दिया है कि विकास यात्राओं और सम्मेलनों के लिए अगर अलग से कोई पैसा मिलता है तो उस पैसे का इस्तेमाल अधिकारी कर सकते हैं। वहीं योजनाओं के लिए आवंटित पैसों के इस्तेमाल पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। दीपाली रस्तोगी ने दो दिन पहले ही आदेश जारी किया है, और इस आदेश से पहले ही सीएम शिवराज की जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर प्रशासनिक स्तर पर तैयारी कर ली गई थी, और सरकार की तरफ से बाकायदा अधिकारियों को निर्देश दिए गए थे कि यात्रा को लोगों तक पहुंचाएं और सरकार का सहयोग करें। एक तरफ सीएम शिवराज की जन आशीर्वाद यात्रा, सरकार के अधिकारियों को निर्देश, और दूसरी तरफ दीपाली रस्तोगी का आदेश। इस पर बीजेपी नेताओं का क्या कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, शिवराज जी के राह में रोड़ा तो कांग्रेस भी नहीं है, कोई रोड़ा नहीं है। उनके अपने नियम कानून धर्म हैं जिसके तहत उनको अपनी भूमिका का निर्वहन करना होता है, इसलिए स्वाभाविक है वो नियम कानून के हिसाब से ही चल पाएंगे। ये कोई पहला मौका नहीं है जब अपने अलग तरह से काम करने के अंदाज और फैसलों से दीपाली रस्तोगी चर्चाओं में रही हो। 1994 बैच की आईएएस अधिकारी दीपाली रस्तोगी सीनियर आईएएस अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल तक खड़े कर चुकी हैं, जिसको लेकर विवाद भी हुआ था। ये वही दीपाली रस्तोगी हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छता अभियान तक पर भी सवाल खड़े कर दिए थे। इसके बाद सरकार ने नोटिस जारी कर उनसे जवाब मांगा था। वहीं दीपाली रस्तोगी के पति मनीष रस्तोगी, जो खुद सीनियर आईएएस हैं, कुछ दिन पहले ही ई टेंडरिंग टेम्परिंग घोटाले को उजागर करने को लेकर चर्चाओं में रह चुके हैं। दीपाली रस्तोगी के फैसले ने कांग्रेस को सीएम शिवराज पर हमला करने का मौका दे दिया। वहीं इस फैसले को लेकर जानकारों का क्या कहना है, वो भी आपको सुनाते हैं। आज मध्य प्रदेश के अंदर प्रशासनिक अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के इस कुचक्र पर सवाल उठाने लगे हैं। ये एक अच्छी पहल है। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को उन्हीं के शासन में काम करने वाले अधिकारियों के जो सवाल है उनका जवाब जनता को भी देना पड़ेगा और प्रशासनिक स्तर पर भी देना पड़ेगा। आज दीपाली रस्तोगी जी ने सवाल उठाए हैं और आने वाले समय में और बहुत सारे अधिकारी इस पर सवाल उठाएंगे, ऐसा मेरे को लगता है, क्योंकि आज भ्रष्टाचार इस सीमा पर है, मनमानी शिवराज सिंह जी की सीमा पर है कि वो प्रदेश के विकास में रोड़ा बन गई है। अभी उनका एक लेख आया, एक इंग्लिश डेली में छपा दिल्ली में, और काफी चर्चित रहा। उसमें उन्होंने ये लिखा, कैसे आईएएस ऑफिसर जो अपने नेता हैं, आका हैं, उनकी बात को बिना किसी एनालिसिस के, बिना लॉजिक के लागू करने में तत्परता दिखाते हैं। तो एक तरह से उन्होंने पूरा जो आईएएस लावी है उसका फंक्शनिंग, उसके करेक्टर को उन्होंने रिफ्लेक्ट किया अपने आर्टिकल में। यह माना जा रहा था कि वह जो सिविल कोड ऑफ कंडक्ट है, जो आईएएस ऑफिसर्स के लिए है कोड ऑफ कंडक्ट है, उसका सिविल ऑफिसर्स का उसका वायलेशन, लेकिन बाद में उसको चीफ सेक्रेटरी ने उसको नकार दिया और माना कि उनका रिफ्लेक्शन है, आर्टिकल लिखने का राइट है, उन्होंने गवर्नमेंट या किसी को क्रिटिसाइज नहीं किया। जन आशीर्वाद यात्रा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विधानसभाओं का दौरा कर रहे हैं। सरकारी और प्रशासनिक अमला भी सीएम के इस दौरे को लेकर सजग है। जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान सीएम 700 सभाओं को संबोधित करेंगे। आखिरकार आईएएस दीपाली रस्तोगी के आदेश के मायने क्या हैं?
और वो किन विकास यात्राओं में सरकारी योजना का पैसा ना खर्च करने के आदेश दे रही हैं, ये अभी तक साफ नहीं हुआ है। दीपाली रस्तोगी के आदेश की टाइमिंग और शिवराज की जन आशीर्वाद यात्रा की टाइमिंग, क्या इस आदेश का इस यात्रा से कोई कनेक्शन है या फिर नहीं, इंतजार कीजिए दीपाली रस्तोगी के अगले आदेश का। ब्यूरो रिपोर्ट।